हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर जिला जयपुर के कोटपुतली तहसील ग्राम की ढाणी रामजी कला कासली में दिन दहाड़े गोली चलाने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि तीन युवक कासली स्थित जोहड़ के पास बैठकर ठंडा पी रहे थे। अचानक एक मोटरसाइकिल बिना नंबरी पर दो लड़के मुंह पर दुपट्टा बांध कर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में कोल्ड ड्रिंक पी रहे साहिल निवासी कासली के पेट में गोली लगी, जिसे गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया। वहीं गोलू निवासी कासली के अंगुली पर गोली लगी है। तीसरे साथी के कोई चोट नहीं पहुंची है। घायलों को ग्रामीणों ने राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक इलाज जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों की कुशलक्षेम पूछी है। इस तरह दिनदहाड़े फायरिंग होना कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। बहरहाल कोटपुतली DYSP डॉक्टर संध्या यादव, पेनियाला थाना अधिकारी इंद्राज सिंह, कोटपुतली थानाधिकारी सवाई सिंह हॉस्पिटल जाकर घायल से पूछताछ की है और मौके का मुआयना किया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। DYSP डॉक्टर संध्या यादव ने बताया कि जल्द ही गोली चलाने वाले अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। इस अवसर पर भरी पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। अभी हमें 2:15 बजे करीब सूचना मिली थी कि रामजी वाला तन कासली थाना सरूम इलाके में जगह है, जहाँ पर तीन लड़के साहिल, गोलू, नरेंद्र ये बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे जोड़ी में, और वहाँ पे अचानक दो लड़के बाइक पे हैं, उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग की है। उसमें से एक लड़के के गोलू की उंगली में लगी है और साहिल के पेट में गोली लगी है। साहिल को अभी जयपुर रेफर कर दिया गया है, उसके यहाँ पे इलाज चल रहा है। तो जिसके पेट में लगी वो ठीक है या कोई पेट और नहीं, पेट में तो लगी है उसकी, आगे उसको सर्जरी के लिए जयपुर रेफर किया है और बाकी हमारी सारी टीम है सारी आगे उनकी दबिश देने के लिए उनकी व्यवस्था भी करवा दी। जो बाइक सवार रहे हैं उनकी आइडेंटिटी कोई ये बच्चे इतना क्लियर बता नहीं पा रहे हैं, अभी थोड़ा सा ट्रामा में है। उससे बाहर आ जाए तो फिर हम इनसे और उस हिसाब से आगे तो इनिशियली बताया उस हिसाब से हमने टेस्टी कराई है, बाकी हम वहाँ पर नहीं गए। मैम कोई विवाद का मामला तो नहीं इनका अभी तक तो इन्होंने ऐसा बताया नहीं, बाकी उन दो लड़कों से हमारी बात नहीं हो पाई कि वो जयपुर निकल गए हैं। उनको मेडिकल बोर्ड में